नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र से चर्चा के बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन ना लगाएं। हालांकि राज्यों को अपने हिसाब से नाइट कर्फ्यू की इजाजत दी गई है। भारत में कोरोना संक्रमण की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 92,66,706 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 44,489 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 36,367 लोग ठीक हुए हैं, 524 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,35,223 हो गई है, जबकि 86,79,138 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें, अभी 4,52,344 एक्टिव मरीज हैं, यानी कि इन मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब 20 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में हर दिन ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा नए केस में इजाफा हो रहा है, यानी कि यहाँ कोरोना की दूसरी लहर ने आहट दे दी है। अगर यही आलम रहा तो अगले 3 से 4 दिन में पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है। दिल्ली में बुधवार को 99 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 8,720 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 5,246 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कुल 5,45,787 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। बुधवार को 6,159 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ ही मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 17,95,959 हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 4,844 लोग ठीक हुए हैं और 65 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46,748 हो गई है। वहीं राजस्थान में बुधवार को 3,285 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,144 लोग ठीक हुए हैं और 18 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही राजस्थान में संक्रमितों की संख्या अब 2,53,767 हो गई है। इनमें 26,320 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,25,229 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 2,218 हो गई है। वहीं कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कुल 10,90,233 सैंपल के टेस्ट हुए हैं। आपको बता दें, अब तक देश भर में कुल 13,59,31,545 सैंपल की जाँच हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।